इस मेडिसिन का उपयोग ईडी यानी इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन की समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन पेशेंट यानी मरीज को इस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब किया जाता है और मेल इम्पोटेंसी के अंदर इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। इस मेडिसिन का उपयोग पुरुषों में अस्थायी संबंध दोष की समस्या में इस मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर मरीज को करने के लिए देते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं और इस मेडिसिन का उपयोग किस प्रकार की दिक्कत किस प्रकार की समस्या रहती है या फिर कौन कौन से रोग में क्या समस्या मरीज को रहती है तब डॉक्टर के द्वारा किस प्रकार की समस्या में ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा मरीज को दिया जाता है। ये मेडिसिन खाना कैसे होता है, इस मेडिसिन का डोज क्या होता है, ये मेडिसिन एक दिन में कितनी बार लेना चाहिए, इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, इस मेडिसिन का टाइमिंग क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। और जैसे कि जो इस दवा में साल्ट होता है यानी जो इस दवा का कंपोजिशन होता है सिल्डेनाफिल सिट्रेट इस दवा का कंपोजिशन होता है यानी इस दवा का साल्ट होता है। और जैसे कि ये मेडिसिन आपको 100 mg में भी मिल जाएगा और जैसे कि 50 mg में भी मिल जाएगा। इसका 50 mg भी आता है और 100 mg भी आता है। रिलेशन बनाने से पहले ये मेडिसिन आधा या फिर एक घंटे पहले ये मेडिसिन लेना होता है। ये मेडिसिन कैसे काम करता है यानी कैसे वर्क करता है चलिए जान लेते हैं। ये मेडिसिन पेनिस एरिया के अंदर जो आर्टरीज होती हैं उनको रिलैक्स करने का काम करता है यानी जो वहाँ की मसल्स होती हैं उन्हें रिलैक्स करने का काम करता है। ये मेडिसिन पीडी इनहिबिटर होता है। चलिए जान लेते हैं कि ये मेडिसिन काम कैसे करता है। पेनिस एरिया के अंदर जो आर्टरीज होता है उसको रिलैक्स करने का काम करता है यानी जो वहाँ की मसल्स होती हैं उसे रिलैक्स करने का काम करता है जिससे क्या होता है कि वहाँ पर जो ब्लड का फ्लो होता है वो अच्छे से होता है। जब ब्लड का फ्लो अच्छे से होता है तो इरेक्शन बनाए रखने में काफ़ी ये अच्छा होता है। और जैसे कि अगर किसी को ईडी का प्रॉब्लम होता है तो उसमें क्या होता है, इसमें ब्लड का जो फ्लो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, इसके कारण तो इनको ये प्रॉब्लम होता है। तो इस मेडिसिन से ये सारी जो समस्याएं होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। पुरुषों में नपुंसकता की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। और जैसे कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो बराबर किन किन कारणों से नहीं होता है, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं या फिर आपके प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार से चोट लग गया है तो इससे भी जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है। चलिए अब हम आपको इस मेडिसिन के डोज के बारे में बताते हैं। इस मेडिसिन का डोज क्या होता है, डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन किस प्रकार से डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताया जाता है। जैसे कि जो डोज होता है ये डॉक्टर मरीज की दिक्कत और उसकी समस्या और उसकी परेशानी और उसके एज और उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इस दवा का डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताते हैं। रिलेशन बनाने से पहले ये मेडिसिन आधा घंटा पहले ये मेडिसिन लेना होता है। और जैसे कि ये मेडिसिन 50 mg और 100 mg में भी आता है यानी 50 mg और 100 mg में आता है। जैसे कि जो 50 mg का होता है ये डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। जब किसी को 50 mg का मेडिसिन दिया जाता है अगर उसे प्रॉपर उसे काम नहीं करता यानी अगर उसकी दिक्कत और परेशानी को देखते हुए डॉक्टर के द्वारा अगर उसको ये प्रॉपर काम नहीं करता है तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन 100 mg भी दिया जाता है। जैसे कि ये 50 mg और 100 mg में आता है हमने आपको बताया है। जब किसी को 50 mg प्रॉपर वर्क नहीं करता है तब डॉक्टर के द्वारा 100 mg दिया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस मेडिसिन का क्या क्या साइड इफेक्ट देखा गया है। आपको डिजीनेस की समस्या हो सकती है, आपके सिर में दर्द की समस्या हो सकती है, स्टमक पेन यानी आपके पेट में भी दर्द की समस्या हो सकता है, आपको नोजिया की समस्या हो सकती है, आपको वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है और जैसे कि आपको डायरिया की समस्या हो सकती है और आपको दस्त की समस्या हो सकता है। और जैसे कि अगर कोई ये मेडिसिन लंबे समय से ले रहा है तो उसे मेमोरी प्रॉब्लम हो सकता है और उसके पीठ में भी दर्द की समस्या हो सकता है। तो जो हमने आपको साइड इफ़ेक्ट बताया है इसके सिवा आपको और भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। चलिए जान लेते हैं कि ये मेडिसिन यूज करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर किसी को एनीमिया की समस्या यानी एनीमिया से रिलेटेड अगर उसे किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो पेशेंट ये मेडिसिन यूज़ ना करे। और जैसे कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट है उसका बीपी बढ़ जाता है या फिर बीपी हमेशा बढ़ा रहता है वो बीपी का जो पेशेंट है तो उसे भी ये मेडिसिन नहीं लेना होता है। और जैसे कि अगर कोई कान से अगर किसी के कान से सुनाई नहीं देता या फिर कान से वो कम सुन पाता है तो तब भी ये मेडिसिन जो होता है ये डॉक्टर के द्वारा नहीं लेने के लिए बताया जाता है। इसके अलावा यदि आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप जाएं, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी दवा लें। कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन खुद
से उपयोग ना करें। अगर आपको दिक्कत या फिर कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन उपयोग करें।